IAS, IPS और फॉरेन सर्विस, इनकम टैक्स सर्विस, ऐसे जो आला ओहदे होते हैं हमारे मुल्क में, उनके कोचिंग के लिए आज कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है। इसके लिए हर साल की तरह इस साल हम एक सिलेक्शन टेस्ट रखे हैं इनके लिए। बड़े तादाद में नौजवान न सिर्फ शहर हैदराबाद में नहीं है, अजलाओं में भी अपियर हो रहे हैं इम्तिहान में। इनमें सबसे जो आला तरीन, जो बेहतर परफॉर्म करेंगे, इनमें से 100 कैंडिडेट्स को हम लोग चुनेंगे अखलियातों से, और इनकी तरबियत अच्छे से अच्छे जो कोचिंग सेंटर्स हैं हैदराबाद में, 6 या 7 कोचिंग सेंटर्स को हम लोग ऑलरेडी सेलेक्ट करे हैं, वहाँ पर इनकी तरबियत दी जाएगी। एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि हर साल, यानी कि गुज़िश्ता साल से अगर कंपेयर करें इस साल, तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स और इनका अवेयरनेस ये बेहतर है, बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो जद्दोजहद, जो एफर्ट अब चल रहा है हुकूमत की तरफ से हो या कैंडिडेट्स की तरफ से, इसको ऐसे जारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल, बहुत टफ एग्ज़ामिनेशन है ये। आज माना जाता है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन जो है यूपीएससी से हर साल जो ऑर्गेनाइज होता है, ये दुनिया में जितने भी मुल्क हैं सब में जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ामिनेशन है ये। और हर साल तकरीबन 10 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं इम्तिहान के लिए सारे रियासतों से, जिनमें से 6 या 7 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ामिनेशन लेते हैं। इसमें से देखिए, अब गिन चुन कर फाइनल सेलेक्शन जो होता है तकरीबन 800 का होता है। जैसे इस साल रिजल्ट्स आए हैं 2 दिन पहले, उसमें 761 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। और इसमें से अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स का परसेंटेज देखा गया तो ये अभी बहुत कम चल रहा है। ये इस साल भी 3.6% आया है, यानी कि 28 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 761 मुस्लिम्स हैं, जो चाहे वो दिल्ली से हो, राजस्थान से, यूपी से, अलीगढ़ से या तेलंगाना, कहाँ से भी हो, जो अपियर हुए हैं, माइनॉरिटी कैंडिडेट्स 28 हैं। ये जो फाइनल सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, इनके नंबर में इजाफा लाने की ज़रूरत है, इजाफा करने लाने की ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपका सिटीजनशिप हो या जो फेलोशिप होता है एक कंट्री में, जो कंट्री के डेवलपमेंट में आप ताउन कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब ये गवर्नमेंट सर्विसेज में अच्छे होना हर नौजवानों को इसलिए मैं दावत देता हूँ यहाँ, इसके लिए कोशिश करने के लिए और ज्वाइन होने के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज, इसलिए कि गवर्नमेंट में ज्वाइन होने के बाद आप जिस तरह के खिदमत समाज को अंजाम दे सकते हैं, शायद कहीं और नहीं दे सकते हैं। इसलिए कि आपके पास एक ओहदा होता है, उसके साथ में अथॉरिटी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है गवर्नमेंट का, और साथ ही साथ बजट, फिनेंसेस, ये सब आपके सामने रहते हैं, होते हैं आपके साथ, तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं आप। और हर कम्युनिटी का हिस्सा इसमें होना चाहिए, बराबर हकदार होना चाहिए। अगर सेलेक्ट होना है तो कैंडिडेट अपने हौसले और अपने सलाहियत की बुनियाद पर ही सेलेक्ट हो सकता है। इसके लिए जो तरबियत देना है, जो गाइडेंस देना है, जो मटेरियल फराहम करना है, ये सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि कैंडिडेट आगे बढ़ना चाहिए और उनके घर में एक अच्छा माहौल बनना चाहिए, और माँ बाप भी इनकी हौसला अफजाई करके इसमें कम्पीट करने के लिए उनको भेजना चाहिए। अगर ये सब फैमिलीज़ की तरफ से, कैंडिडेट्स की तरफ से ये काम हो सका, तो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे स्कीम्स हैं तेलंगाना में आज अखिलियतों के लिए, सिविल सर्विस स्कीम उसके तहत एक है, तो हम लोग इसके ज़रिए से पूरा ताउन देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, इनको आखिरी मंजिल तक ले जाने के लिए इनके साथ रहेंगे, और हम लोग कामयाबी दिलाने की भी कोशिश करेंगे। तो ये जो माहौल अच्छा बनता जा रहा है तेलंगाना में, इसको सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां भी लाना ज़रूरी है इस स्कीम में, इंशाल्लाह देखते हैं, आज थोड़ा फीडबैक भी लेंगे कैंडिडेट से किस तरह के चेंजेस लाना चाहिए इसमें,
हम लोग भी बैठ के सोचेंगे गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान किस तरह के नजायज हमारे सामने पेश आए हैं, उन सबको नज़र में रखते हुए किस तरह से इसमें चेंजेस लाना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे।